हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं फिर से खेलने आ गई हूँ पॉपी प्ले टाइम। ज़्यादा नहीं बोलता, स्टार्ट करता है। आज हगी बगी को मार के जाऊँगी। जब तो पहले खेला था तब तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, बट अब करके जाऊँगी। यानी यहाँ पे मेरे पास जेजे मिलकर अगर मैं जीती तो मैं खा लूँगी। जीतने तक का वेट कौन करेगा? इंट्रो स्किप कर देती हूँ, गेम स्टार्ट करते हैं। मैंने चॉकलेट पहले ही खा ली, जीतने की बात की थी पर मैं मन कर गया। क्या है भाई? अच्छा, वहाँ पे कोड लगाना है तो मुझे ट्रेन देखनी पड़ेगी जाके क्या कोड है। ग्रीन, पिंक, येलो, रेड। हर बार सेम ही कोड होता है, आई थिंक सो। पिछली बार भी यही था, ग्रीन, पिंक, येलो, रेड। यहाँ से कैसे रूट आते हैं? मैं आपने उसकी टी शर्ट पहन के इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैंकेट में हूँ। हो गया, अब मुझे ग्रैप पैक मिल जाएगा। एंड मैं ये पहले भी एक बार खेल चुकी हूँ बट एस्केप नहीं कर पाई थी, तो अब की बार तो श्योरली करूँगी। अब मैं असली तबाही मचाने वाली हूँ। कि मैं इसे नहीं ला पा रही। छोड़ो फिर, चलता है भाई। अच्छा, ऐसे बैठ, अपने आप ही बैठ गए। गेट ही नहीं खुल रहा है। खुल गया, खुल गया। चलो, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। इसके हाथ से चाबी लेनी है। अब तो मुझे सारी चीज़ आते हैं, पहले ही थोड़ा अधूरा अधूरा हो गया था क्योंकि खेला नहीं आता था तब। तो हर एक चीज़ ऐसे सोच सोच के कर रही थी। मेरी आंखों से तो बड़ा आंसू आ जाते हैं। मैं थोड़ा गला ख़राब है तो ना मेरी आंख से आंसू आ जाते हैं जब भी स्क्रीन पे देखती हूँ। मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं मार्च में। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। यप। थोड़ा थोड़ा तो याद है। ओके, आपको पता है एक बार मैं इस गेम की ना प्रैक्टिस कर रही थी, तो यहाँ से इस दरवाजे से निकलने के बाद कुछ ना वाइट वाइट सा आ गया था। मैं नीचे गिर गई थी, ऐसा लग रहा फैक्ट्री ऊपर मैं नीचे देख ला क्या हुआ था। चलो हम ऊपर चलते हैं। अरे, VCR रखा है, सी ग्रीन टाइप कलर का। मैं होती तो ले जाती, पर चलो अभी ये गेम है तो गेम की तरह खेलना होगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म है, ऐसा लगा
खाई है सच में। आई थिंक हम नीचे जा सकते हैं ऐसे सीधा। हमें यहाँ से कुछ चीज़ें ढूंढनी है एंड यहाँ से हमें हमारा लाल हाथ भी मिल जाएगा। रेड वाला ये रहा। मुझे आई थिंक 2 मिले और ब्लू वाला ऊपर दिख रहा है वहां पे। जस्ट वन मोर, एक और चाहिए। कलेक्ट कर लिए थे क्या हमने? मेरे हिसाब से तो एक रहता है। मेरे हिसाब से अभी भी रहता है एक येलो रहता है। वॉज राइट। चलो मिल तो गया फाइनली एटलीस्ट। ये VCR उठा सकती हूँ क्या मैं? तो हाथ भी नहीं मार रहा इस VCR को। फाइनली अब मेरा लाल हाथ आ ही जाएगा। जा। नीचे तो मत गिराता है, एटलीस्ट मेरा हाथ नीचे गिरा दिया इन्होंने। फाइनली अब मेरे पास दोनों हाथ हैं। बल्ले बल्ले। तो फ्रेंड्स लाल हाथ मिलने की खुशी देखो मेरी। अरे ऊपर चढ़ना, यहाँ तो जाना है ब्लू हाथ एंड यहाँ जाना है रेड हाथ। फाइनली मेरे पास दोनों हाथ अपने खुद के। OMG ये आधा ही खुलेगा भाई। हग्गी वग्गी ना आ जाए यहाँ पे। ये क्या करना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी प्लग करनी है तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके इस खंबे पे लेके ये कुछ भी नहीं हुआ। ओ अच्छा शायद इलेक्ट्रिसिटी हो गई। यार ये काम तो बहुत जल्दी हो गया। एंड अभी मैं कहाँ पे जा रही हूँ? आई थिंक कुछ फैक्ट्री में, कुछ ऐसी जगह पे जा रही हूँ मैं। एंड ये टाइम है जहाँ पे मुझे अपना एस्केप भी करना होता है थोड़ी सी आगे, क्योंकि हगी वगी भी आने वाला होता है। अब गाइस यहाँ से पहले तो मुझे अपना टॉय लेना है। ओ पहले तो यहाँ पे पावर ऑन करने, तो
चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से ही पावर होगी। फाइनली कुछ तो किया है मैंने। अब वहां से करंट लेती हूँ, पहले इस लाइट में लगा लेते हैं एक्चुअली लैम्प जो भी है ये। अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कर दिया है मैंने फाइनली। फाइनली आई हैव डन इट गाइस। अरे मैं डर गई थी एक मिनट के लिए। तो ठीक है भाई, अपने फ्रेंड का वेट करते हैं। पहले तो ये लीवर नीचे करती हूँ, छोड़ देते हैं। इतने सारे हाथ होने का, आई मीन दो हाथ है हमारे पास इस गेम में। हमारा दोस्त मेरा दोस्त शायद फॉर श्योर यहाँ पे ही आके रुक जाएगा, एंड मैं यहाँ से उठा के वहाँ पे लगा दूँगी। एंड देन फिर हगी मुझे मारने आएगा, मैं यहाँ से भाग लूँगी। एंड देन मैं गेम ज़रूर पार कर दूँगी एक ना एक दिन। ये देखो ये मेरा दोस्त बन रहा है, यहाँ से बन के आएगा यहाँ पर। हगी को मेरे पीछे ज़रूर लगाएंगी, उन्हें नॉर्मली वहाँ से खोल दे। हगी पीछे लगेगा, अभी बहुत फैक्ट्री में थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, बहुत क्रीपी और वियर्ड फील हो रहा है अब। चलो मेरा फ्रेंड तो आ गया है एटलीस्ट, जिसकी मदद से मैं हगी को बुला के सच बताऊं फ्रेंड्स तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लाइक आई स्वेयर मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे प्लेस करता है अपने फ्रेंड को, लीव विदाउट अ टॉय, नोबडी लीव विदाउट अ टॉय। मुझे भी इस हगी को मारना ही होगा। थ्री टू वन गो। तीन चार ट्राइज कर चुके, मेरा दिमाग गरम हो गया है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। मैंने फिर से वही सेम गलती की, मैं
फटाफट मुझे दूसरे डोर की तरफ भागना था एंड मैं कहीं और ही भागे जा रही हूँ। मैं गलत साइड जाने लग गई थी फिर से एंड इतने में तो हगी बगी ने आके मुझे मार दिया। हाल में चले गए एंड रियली बहुत ज़्यादा कान का बुरा हाल हो गया था। बट अभी ठीक है, मैं नीम की सीख टाइप जो होती है वो डाली हुई है। अभी नहीं आया। अब तो बस जहां रास्ता मिल रहा है तो वहां भाग। हगी मेरे जस्ट पीछे है। फाइनली मैंने हगी को मार दिया है एंड अब मैं पार करने की पूरी कगार पे पहुंच चुकी हूँ ये गेम। हाय रियली फ्रेंड्स, वो जो एक पूरा सफ़र था ना वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था एंड मैं सच बता रही हूँ, मैंने पार कर दिया तो ऐसा लग रहा है मैंने एक जंग जीत ली है। लेट्स गो गाइस, इट वाज रियली लाइक अ जंग। चलो, अरे क्या मैं बाहर एस्केप कर रही हूँ? वाह, पहले तो एक एस्केप नहीं कर पाई थी मैं, चैप्टर वन ख़त्म नहीं कर पाई थी पर अब कर पा रही हूँ। OMG, ये तो थोड़ा थोड़ा ना कॉन्जरिंग टाइप लग रहा है, मैंने मूवी देखी हुई है ना, वो तरीके है तो एनाबेल का लाल लाल जैसे घर होता था। इसमें डोल भी है एनाबेल। क्या था वो? कर लिया मैंने चैप्टर जी। सीरियसली इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू एस्केप बट somehow I managed to escape and now I am really happy guys। but यही था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो एंड मेरे थ्रेड्स अकाउंट को भी फॉलो कर लो, हर एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। OMG गाइस, इट वॉज रियली ना, मुझे यू था कि मैं कैसे करूँगी, कभी कर भी पाऊँगी या नहीं इसके, बट आई डिड इट। बाय बाय गाइस।